नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सेंट्रल वॉर रूम से प्रदेश के विभिन्न स्तर के करीब 5,000 पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ जूम के माध्यम से संगठन लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस कमेटी के महासचिव, मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ नेता भी जूम के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। सभी वरिष्ठ नेताओं ने जूम मीटिंग से जुड़कर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सभी कांग्रेस को एकजुट होकर कार्य करना है। भाजपा प्रदेश की जनता को गुमराह करती जा रही है। महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता परेशान है। युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ लगातार अन्याय कर रही है भाजपा सरकार। प्रदेश पर इतना कर्ज बढ़ रहा है लेकिन भाजपा सरकार केवल इवेंट में लगी हुई है। संगठन में पूरी ताकत और प्रतिबद्धता के साथ काम करें। संगठन की गतिविधियों और संगठन की मजबूती के लिए एकजुटता से काम करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जूम के माध्यम से वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। साथ ही जूम से जुड़े प्रदेश भर के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, हमें किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता पूरे निसंकोच भाव से, मैं नहीं हम की भावना से काम करे। राहुल गांधी जी की 2 मार्च को मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करने वाली है। इस यात्रा को सभी मिलकर सफल और प्रभावी बनाएं। संगठन की ताकत को समझें। भाजपा की नीतियां हमेशा से ही हमारी गतिविधियों को विफल करने की रही है, लेकिन हमें उनकी इस तरह की जन विरोधी प्रणाली से बचकर उनका पूरी ताकत के साथ मुकाबला करना है। हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षों से, सारे मंडल अध्यक्षों से, सारे वरिष्ठ नेताओं से, जितने हमारे प्रत्याशी और विधायक हैं उनसे, सारे जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों से, और कांग्रेस के वर्कर जितने भी, हमारी आज की जूम मीटिंग हुई थी जिसमें आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी, उमंग सिंगार जी और आदरणीय हमारे CWC के मेम्बर कमलेश्वर पटेल साहब को हमने इस मीटिंग में अपने उद्बोधन दिए हैं। हमारी इंटरनल मीटिंग जरूर थी पर उद्देश्य था भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो मध्य प्रदेश के सब कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व हो, न्याय की बात हो रही तो सब पीड़ितों तक ये भावना अच्छे से जाए। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो देश की यात्रा है और मैं समझता हूँ उस यात्रा में सबका ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बने। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बूथ स्तर से लेकर सारी जो चयन तक, प्रत्याशी चयन तक जितने भी बकायद जो क्रिया कार्रवाइयाँ हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, संगठन के स्ट्रेंथन पे, अनुशासन पे, और पार्टी के वर्करों को इस भावना से अवगत कराने के लिए कि अब नई और युवा पार्टी हम सबको मिलकर बनानी है, जिसमें प्रदेश कमेटी का गठन मैंने जैसे 2 दिन पहले भी कहा था बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसे जितने बदलाव जिला स्तर पर होंगे वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो काम करेगा उसको सर माथे पर लेके आगे बढ़ाया जाएगा। जो पथ पर रहकर काम नहीं करेगा, नेचुरल स्वाभाविक है, पार्टी और एक अच्छे संगठन की आइडियोलॉजी की नीड है कि दूसरे को जगह मिलना चाहिए। तो इन सब बातों पे विस्तार से बातें हुई है और जो अंदर हमारा कन्वर्सेशन हुआ उसकी मीडिया फीड हम आपको जारी कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.